हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम सीख रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, और इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन, फिर दूसरे से तीसरे, फिर तीसरे से चौथे, मतलब कम्युनिकेशन धीरे धीरे फैल, जो बात होती है वो धीरे धीरे सर्कुलेट होती रहती है। If communication is done without maintaining the formalities prescribed by the organization, it is called informal communication। जब जितने भी employees हैं, workers हैं, managers हैं, वो आपस में एक मतलब अपनी dignity भूल कर एक साथ बैठ कर friendly environment में बैठ कर बातचीत करें, मतलब एक as a friend बात करें, तो उसे हम कहते हैं grapevine communication। The basis of informal communication is personal or informal रिलेशनशिप बिटवीन द मेम्बर्स ऑफ अ ग्रुप। इसमें क्या होता है, जो भी मेम्बर आपस में बातें करते हैं वो कोई पर्सनल बातें भी कर सकते हैं या कोई इनफॉर्मल बातें, यानी कोई भी किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं फ्री फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से हटकर, अपने कामकाज से हटकर फ्री बातें, मतलब फ्रेंड एज अ फ्रेंड बातें, जैसे कोई मैनेजर एम्प्लॉई से भी कर सकता है, कोई भी मतलब कोई उनकी डिग्निटी वहाँ पे कोई नहीं है कि मैं मैनेजर हूँ तो मैं एम्प्लॉई से ऐसे बात नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी डिग्निटी वगैरह सब कुछ भूल के बात करते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। It is also known as grapevine that takes place when the people of an organization or group, especially of some level of rank, gather or meet together and discuss informally। मतलब एक साथ मिलते हैं और इनफॉर्मली चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इनफॉर्मली का मतलब अपनी डिग्निटी या अपने बिजनेस, अपने कामकाज को भुला कर किसी दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोवी एंड अदर्स, बोवी और कुछ अलग लोगों ने जो डेफिनेशन दी है, ग्रेपवाइन इज़ एन इनफॉर्मल इंटरपर्सनल चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट ऑफिशियली सैंक्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेपवाइन का एक इनफॉर्मल इंटरपर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मली कम्युनिकेशन होता है, और ऑर्गेनाइजेशन से कोई प्रतिबंध नहीं होता इस पर, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन से हम बंधे हुए नहीं हैं, एज अ फ्रेंड हम बात करते हैं इसमें। टाइप्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, प्रोफेसर कीथ डेविस हु हैज़ डन सम रिसर्च वर्क ऑन द नेचर ऑफ ग्रेपवाइन हैज़ क्लासिफाइड इट इनटू फोर बेसिक टाइप। प्रोफेसर कीथ डेविस ने इसे फोर टाइप में कैटेगराइज किया है। पहला हमारा आता है सिंगल चेन, ये हमारी सिंगल चेन। सिंगल चेन में क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन गई, फिर दूसरे से तीसरे, फिर तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, पांचवे से छठे, ऐसे बात फैलती रहती है, उसे हम कहते हैं सिंगल चेन। फिर दूसरी है गॉसिप चेन। गॉसिप में क्या होता है, एक ग्रुप जैसा होता है, एक मेंबर होता है, वही सबको बात सर्कुलेट करता है, वही सबको बात बताता है, सिर्फ एक मेंबर, तो उसे हम कहते हैं गॉसिप। फिर आता है हमारा प्रोबेबिलिटी चेन। इसमें क्या होता है, कुछ सेलेक्टेड पर्सन्स को बात बताई जाती है, और वो सेलेक्टेड पर्सन कुछ सेलेक्टेड पर्सन्स को तक बात पहुँचाते हैं। जैसे ए ने एफ़ तक बात पहुँचाई, यहाँ पर देखिए बी को नहीं बात बताई गई, आई को नहीं बताई गई, तो ये पहले से डिसाइड होता है किसको बात बतानी है, किसको नहीं बतानी है, और उन्हीं तक कम्युनिकेशन किया जाता है जिन तक करना होता है, सबके साथ ये कम्युनिकेशन नहीं किया जाता है। फिर आती है हमारी क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन में क्या होता है, एक पर्सन कुछ पर्सन्स को बात बता देता है, फिर वो पर्सन बाकी पर्सन्स को बात बताते हैं। इसमें बात तो सबको बतानी होती है, यानी कम्युनिकेशन सबसे करना होता है, लेकिन एक पर्सन कुछ के साथ करता है, फिर वो कुछ के साथ करते हैं, और ऐसे बात सब में सर्कुलेट हो जाती है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर में डिफरेंस देख लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी में कुछ सेलेक्टेड पर्सन्स को नहीं बतानी होती है बात, और कुछ सेलेक्टेड को ही बताई जाती है, मतलब कुछ को बतानी होती है, कुछ को नहीं बतानी होती है, ये ध्यान रखना होता है। क्लस्टर में बात सबको बतानी होती है, बस पहले एक बंदा तीनों को बताएगा, या तीन या जितने भी बताए, और फिर वो आगे बात को सर्कुलेट करेंगे। सिंगल स्ट्रैंड चेन, द सिंगल स्ट्रैंड चेन इन्वॉल्व्स द पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू अ लाइन ऑफ पर्संस टू द अल्टीमेट रिसिपिएंट। इसमें देखिए एक लाइन जैसे हमारी ये बनी हुई है, लाइन में बात शेयर होती है, एक लाइन में ए से बी तक गई, बी से सी तक गई, फिर सी से डी तक, तो ये एक चेन की तरह चलता रहता है। नेक्स्ट है गॉसिप चेन। गॉसिप चेन में एक मेंबर होता है ग्रुप का, जैसे यहाँ पे हमारा ए है, और ये बाकी मेंबर्स तक बात पहुंचा देता है, ये कहीं बात नहीं पहुंचाएंगे, बस इनको सुनना होता है खाली।
नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी चेन में कुछ सेलेक्टेड पर्सन्स को बात बतानी होती है, जैसे इसने ए ने डी को बता दी, एफ को बता दी, लेकिन इसको नहीं बताई। कुछ सेलेक्टेड पर्सन तक बात जानी होती है, सबको बात नहीं बताई जाती है, और वो सेलेक्टेड पर्सन भी कुछ सेलेक्टेड पर्सन तक बात पहुंचाते हैं, सबको वो भी नहीं बताते हैं। फिर हमारी आदि क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन में बात सबको पहुंचानी होती है, लेकिन एक आदमी ये काम नहीं करता, एक आदमी कुछ आदमियों तक ये बात पहुंचा देता है, फिर वो कुछ आदमी बाकी आदमियों तक बात पहुंचाते हैं। पहुंच सब तक जाती है, लेकिन एक आदमी ये काम नहीं करता, जैसा काम कई लोग मिल के करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।